हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसका चैप्टर थ्री के क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, तो इसमें से हमें हेयर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट, कुछ फॉल्स स्टेटमेंट है, हमें आइडेंटिफाई करनी है मिस्टेक उनकी और उनको करेक्ट करके लिखना है। तो पहला है, लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर फ्रीडम। तो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके दिमाग में कोई शक था कि कंट्री डेमोक्रेटिक होगी या नहीं होगी? तो देखिए, ऐसा कोई शक नहीं था, सारे के सारे लीडर्स यही चाहते थे कि कंट्री में डेमोक्रेसी हो। तो लीडर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट हैड कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है एक मत होना, सारे के सारे लोग एक मत थे कि कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक होगी आज़ादी के बाद। नेक्स्ट है, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैड द सेम व्यूज़ ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्या उनके बिल्कुल सेम राय थे हर एक चीज़ पर? तो नहीं। इसका सही हो जाएगा, देखिए, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैड सेम व्यूज़ ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक प्रिंसिपल जो थे उसमें तो सेम थे, बाकी सब में दे हैड डिफरेंट व्यूज़ ऑन वेरियस प्रोविजंस। नेक्स्ट आता है, कंट्री दैट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी। ऐसी कंट्री जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा क्या वो डेमोक्रेसी भी ही होगी? तो इसका सही जो हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा जो देश, अगर कोई देश डेमोक्रेसी है ना तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। मगर ऐसा नहीं है कि अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेसी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बट अगर कोई डेमोक्रेसी है देश तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन को बदला नहीं जा सकता बिल्कुल भी, क्योंकि वो सबसे बड़ा लॉ है कंट्री का। तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन में हम बदलाव ला सकते हैं, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट सेलियंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब दिक्कत थी जो कि आ रही थी लोगों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में साउथ अफ्रीका में? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, द मोस्ट सेलियंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका वॉज बिटवीन वाइट माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजॉरिटी। तो वाइट माइनॉरिटी और ब्लैक मेजॉरिटी जो थी ना, बिटवीन वाइट माइनॉरिटी और ब्लैक मेजॉरिटी के बीच में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रही थी जब साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ अ प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं होता है? द नेम ऑफ हेड ऑफ स्टेट। तो हेड ऑफ स्टेट का नाम नहीं होता है, मतलब हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिखा जाएगा उसमें, प्रेसिडेंट का सिर्फ पोजिशन का नाम होगा। जैसे कि कोई भी प्रेसिडेंट हो सकता है, प्रेसिडेंट तो चेंज होते रहते हैं, तो सिर्फ पोजिशन का नाम होगा कि सबसे ऊपर होंगे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन होंगे उनका नाम नहीं होगा, सिर्फ पोजीशन का नाम होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट तो समय के साथ साथ बदलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है हमें लीडर्स को उनके रोल के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पर उनका जो रोल रहा था उसके साथ मैच करना है। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था 1928 में? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था? ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये वाली चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया 1928 में मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। राजेंद्र प्रसाद थे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है जिस सभा ने संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उसके जो प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? राजेंद्र प्रसाद थे। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सरोजनी नायडू एक मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड अगेन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेहरू स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी। बहुत ही फेमस है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जो हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी ना, जो पहली हमारी मतलब सभा थी उसमें इन्होंने बोला था। तो हम लोगों को दोबारा से पढ़ना है,
और एक्सट्रैक्ट निकालने हैं कि क्या क्या हम लोग रेफर करते हैं, हम इन चीज़ों से क्या समझते हैं. पहला है, वाई डिड नेहरू यूज़ द एक्सप्रेशन नॉट होली और इन होल मेजर इन द फर्स्ट सेंटेंस. होली या फिर होल मेजर उन्होंने क्यों यूज़ नहीं किया है पहले आप सेंटेंस में. आप किताब खोल सकते हैं, उस पर ट्रस्ट विद डेस्टिनी का पूरा लिखा हुआ है. तो नेहरू यूज़ द टर्म नॉट होली और इन फुल मेजर बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम द टास्क दे हैड अंडरटेकन वॉज नॉट कम्प्लीट. क्योंकि उन्होंने जो हाथ में काम लिया था देश को एक बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी बनाने का, वो अभी पूरा नहीं हुआ था ना, है ना. तो टास्क कम्प्लीट नहीं हुआ था कम्प्लीटली. नेक्स्ट है, वट प्लेज डिड ही वॉन्ट द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक. वो क्या चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या प्रण लें. तो इसका आंसर है, प्लेज दैट ही वॉन्टेड द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक वॉज टू इरेडिकेट देयर लाइव्स, सॉरी इरेडिकेट नहीं, डेडिकेट. डेडिकेट मतलब समर्पण, अपने जीवन का वो समर्पण कर दे. डेडिकेट देयर लाइव्स टू द सर्विस ऑफ इंडिया द इंडियन पीपल एंड द ह्यूमैनिटी एट लार्ज. तो लोगों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को वो न्यौछावर कर दें, डेडिकेट कर दें, ये वो चाहते थे लोगों से, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे उन लोगों से. नेक्स्ट है, द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई. तो एम्बिशन मतलब सोच है, गोल है ज़िंदगी का, जो हमारी हमारी जो जनरेशन चल रही है, जो हमारा समय चल रहा है, इसका जो सबसे महान आदमी है वो क्या चाहता है कि हर आँख से वो आंसू पोंछ दे. तो ये किसको रेफ़र किया जा रहा है, ये महात्मा गांधी के बारे में नेहरू जी बात कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर आर सम ऑफ द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर मीनिंग, री राइट देम बाई मैचिंग देम करेक्टली. तो हमें मीनिंग से मिलाना है. देखिए इसका आंसर है, सोवरन का मतलब होता है पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस. सोवरन का मतलब है एक इंसान या एक देश सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है. वो अपने लिए डिसीजंस ले सकता है, अपने जो हक हैं हर चीज़ वो अपने लिए खुद चुन सकता है. तो वो होता है सोवरन. सोवरन पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन. लोगों के पास सबसे पहला सबसे बड़ा अधिकार होता है अपने लिए कोई भी डिसीजन लेने का, या फिर देश के लिए. कौन डिसीजन लेगा, हमारे देश के लोग लेंगे, कोई बाहर की ताकत नहीं लेगी. ये होता है सोवरन, सर्वोपरि होना. रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन. रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो स्टेट का हेड है, देश का जो हेड होगा ना, वो राजा महाराजा कोई महारानी नहीं होगा, लोगों के द्वारा चुना हुआ कोई पर्सन होगा. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा. पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहनों की तरह रहे. सेक्युलर का मतलब होता है गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन. राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, ये होता है सेक्युलरिज्म. कोई रिलीजन नहीं होगा देश का, सारे रिलीजन माने जाएंगे. तो पैराग्राफ आपको पढ़ना है कि एक बुक है अ कंडक्ट फॉर मैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन के कंडक्ट के बारे में. तो ये बोला गया है 1912 में छपी थी. गॉड हैज मेड द फीमेल स्पीशीज डेलिकेट एंड फ्रेजाइल बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, इनकेपेबल ऑफ सेल्फ डिफेंस. दे आर डेस्टिंड दस बाई गॉड टू रिमेन इन द मेल प्रोटेक्शन ऑफ फादर हजबेंड्स एंड सन ऑल देयर लाइव्स. वुमेन शुड देयरफॉर नॉट डिस्पेयर बट फील ऑब्लाइज दैट दे कैन डेडिकेट देमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ मैन. डू यू थिंक वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन दिस पैरा रिफ्लेक्टेड द वैल्यूज अंडरलाइंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन और डज दिस गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू. तो क्या है कि इसमें लिखा हुआ है गॉड ने फीमेल को कमज़ोर बनाया है और वो अपना खुद का बचाव नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि गॉड ने आदमी को बनाया है औरत का बचाव करने के लिए. तो आदमी के लिए अगर औरत कुछ करती है, सेवा करती है उसकी, आदमी की, तो उसको थैंकफुल रहना चाहिए आदमी के लिए. तो ये किस तरीके की थिंकिंग दिखाता है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने इस तरीके की थिंकिंग को एक्सेप्ट किया है? देखिए आंसर आ जाएगा, गिवन पैरा रिफ्लेक्ट द पेट्रियार्कियल वैल्यूज. पेट्रियार्कियल का क्या मतलब होता है? पितृ प्रधान समाज, मतलब जिस समाज में आदमी की चलती है उसको हम पेट्रियार्कियल समाज कहते हैं. इंडिया भी काफ़ी हद तक आज भी पेट्रियार्कियल समाज ही है. इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ जेंडर्स. इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी प्रमोटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो मतलब जिसमें पुरुष प्रधान समाज, जिसमें जैसे कि घरों में फादर की चलती है या दादा की चलती है या किसी मेल मेंबर की चलती है, तो इस तरीके के समाज को हम पेट्रियार्कियल सोसाइटी कहते हैं. ऊपर जो पैरा है वो पेट्रियार्कियल वैल्यूज़ को दिखाता है, बट हमारा जो संविधान है वो तो इक्वालिटी को, समानता को दिखाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, गिव रीजंस व्हाई ईच ऑफ दीज इज ट्रू और नॉट ट्रू. हमें सेंटेंस पढ़ने हैं और बताना है कि हर एक सही है तो क्यों है, और जो सही नहीं है तो भाई क्यों सही नहीं है. तो देख लेते हैं,
पहला है द अथॉरिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज दैट ऑफ एनी अदर लॉ. अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के रूल की वो सेम है बाकी सारे लॉज की तरह ही. हाँ बिल्कुल सही बात है. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री. इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एंटिटी. द रूल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर बेसिस ऑन विच ऑल द अदर लॉज आर फ्रेम्ड. हेंस इट फॉलोज दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैव द सेम अथॉरिटी पर हैव्स इवन ग्रेटर एज एनी अदर लॉ ऑफ द कंट्री. इसका क्या मतलब है? देखिए जो हमारे देश का संविधान है ना वो सबसे बड़ा कानून है देश का. डेमोक्रेटिक एंटिटी मतलब देश डेमोक्रेसी है, इसकी फाउंडेशन संविधान ही रखता है. रूल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वो बाकी जितने भी कानून बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल्स के बेसिस पे ही बनेंगे. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा हमारे लिए एक लॉ है. तो फर्स्ट है ट्रू. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड. कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट के वो फॉर्म होंगे. बिल्कुल सही बात है. कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन. इट डिफाइंस इन डिटेल द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट नेमली द एग्जीक्यूटिव द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर. तो हाँ बिल्कुल बताया गया है कि कितने कितने कैसे कैसे ऑर्गन्स होंगे. तीन ऑर्गन्स के बारे में मेनली बताया गया है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. तो ये ट्रू हो जाता है. नेक्स्ट है राइट ऑफ सिटीजन्स एंड लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल सही बात है. सिटीजन्स के क्या हक होंगे और किस तरीके से उनको पालन में लाया जाएगा, क्या सरकार नहीं कर पाएगी, लोगों के हक नहीं छीन पाएगी, क्या ये सब कुछ सब बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ. द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन. इट डिफाइंस इन डिटेल. अच्छा ये तो कंपोजिशन वगैरह का हो गया. हाँ ये है. तो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन. कॉन्स्टिट्यूशन में सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है. दीज राइट्स आर एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. तो कोर्ट ऑफ लॉ में हम लोग इन्फोर्स कर सकते हैं. अगर इसका मतलब ये होता है इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि अगर हमारे संवैधानिक हक हमारे फंडामेंटल राइट छीने जाते हैं तो हम केस कर सकते हैं. तो बाई डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड बाई मेकिंग देम इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर्स येट कीपिंग ईच ऑर्गन अंडर चेक बाय अदर गवर्नमेंट ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट देयर आर प्रॉपर लिमिट्स ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट. तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से ऑर्गन्स बनाए गए हैं, जैसे कि सबसे ऊपर आता है, जैसे कि ऐसे समझ लीजिए, अगर एक तरफ है एग्जीक्यूटिव, एक तरफ होता है लेजिस्लेचर और एक होता है जुडिशरी. ये तीनों बिल्कुल बराबर है, कोई किसी से बड़ा नहीं है. बट ये एक दूसरे की पावर्स पे क्या लगाते हैं, एक दूसरे की पावर्स पे ये लोग चेक लगाते हैं. अगर लेजिस्लेचर कुछ गलत करेगा तो जुडिशरी देख लेगी, एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करेगा तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी उसे देख लेंगे, जुडिशरी कुछ गलत करेगी तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उसे देख लेंगे, है ना. तो एक दूसरे पर चेक लगाते हैं ताकि कोई कुछ गलत ना कर पाए. ये सारी की सारी चीज़ें हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशन नॉट अबाउट वैल्यूज़. कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वैल्यूज़ नहीं है क्या? सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ही हैं, सिर्फ जैसे प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, इन सब के बारे में बताया गया है, वैल्यूज़ वगैरह नहीं है. क्यों नहीं है भाई? राइट टू इक्वालिटी, फ्रटर्निटी, सेक्युलर, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो है. तो भाई देखिए ये गलत बात है कि वैल्यूज़ हैं भाई, बिल्कुल सही है, वैल्यूज़ हैं. Constitution lays down the composition of functions of different institution of government, thereby providing framework and laws for working of these institution. तो framework बताया कि किस तरीके से कैसे कैसे सब चलेगा और कानून भी बताया कैसे चलेगा. But democratic जो country है वो values पे चलती है, तो काफ़ी सारी values भी हैं. Hence a constitution is much about values as it is about institution based on knowledge. वैल्यूज़ पे भी हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखे हैं. तो हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर्स. कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा. अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. थैंक यू.